लीडर श्रीमती चंदा बोले मैडम, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। ओ साथियों, मैं चंदा बोड़े, आप सभी तो मुझे जानते हैं, वैसे ही थोड़ा सा मैं परिचय अपना देना चाहूंगी पिपला नारायण मार से। और आप सभी का मैं आज अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की तरफ से स्वागत करती हूँ आज के जूम वेबिनार प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर सृष्टि का दर्शन करवाया है एवं इस काबिल बनाया है कि मैं भी खुद जीवन में कुछ कर पाऊँ। साथ ही साथ में मैं मेरे जीवन साथी, मेरे मोटिवेशनल, मेरे गुरु, मेरे बोड़े सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि उन्हीं के बदौलत आज मैं कुछ कर पा रही हूँ, घर के बाहर निकल पा रही हूँ। क्योंकि कुछ कुछ मनुष्यों की मतलब ऐसी मेंटेलिटी होती है कि वाइफ है तो वो केवल घर का काम करेगी, गेट के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन साथी जो मेरे सर है वो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। साथ ही साथ में मेरे ग्रेट गुरु मोहबे सर जी को भी मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं के बदौलत आज हम लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं झूम मीटिंग के माध्यम से। और सर हमारे पीछे कितनी सारी मेहनत करते हैं, सभी को पहले ही बता देते हैं कि किसका प्रोग्राम किस दिन होगा। साथ ही साथ में वो कॉल करके हमें इनवाइट भी करते हैं और तब जाकर के हम अपनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। अगर झूम मीटिंग नहीं होती साथियों तो आज हम कोई किसी को नहीं जानता। तो सर को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी आज सर जी ने हमारे लिए लाई है जिसके बदौलत आज हम यहाँ बैठकर हमें सभी लोग जान पा रहे हैं। और साथ ही साथ में आज के इस झूम वेबिनार प्रोग्राम में जुड़े सभी साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतना कीमती समय निकाल कर आज के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो साथियों आप सभी का आज के प्रोग्राम में वेलकम है। कैसे बुलाए कि लोग आ जाए, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, संपर्क करे और निमंत्रण दे। तो आज के प्रोग्राम में आप सभी को सभी का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ में मैं आपसे जोरदार ताली चाहूंगी आज के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जब तक हम निमंत्रण नहीं देते हैं, लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं, तब तक लोग हमारे साथ नहीं आते हैं साथियों। साथ ही साथ में अभी तक हमने सीखा कि लोगों की बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं, हम लोगों को कैसे चुने, क्योंकि यह 5 बेसिक है और 5 बेसिक में से पहला बेसिक है कि लोगों की बड़ी लिस्ट बनाएं एवं प्री जज न करते हुए हम लोगों को किस तरीके से चुने। आज कि लोगों से संपर्क कैसे करें और कैसे लोगों को निमंत्रण दे कि लोग हमारे साथ जुड़ जाए और बिजनेस करने लगे। तो साथियों देयर मस्ट बी पावर इन योर टॉकिंग। आपकी बात में सबसे पहले तो दम होना चाहिए। आप जो बात रख रहे हैं ना, आपकी बात आत्मविश्वास के साथ होनी चाहिए साथियों। डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम किसी के घर खाने नहीं जा रहे हैं, है ना। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अपने अंदर से डर निकाल लो, झिझक निकाल लो। अपनी बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ रखना है। साथ ही साथ में आपके अंदर में जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और उमंग होनी चाहिए कि आपके शब्दों में, हर शब्द में, आप जो भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो उस शब्द में आपके जान होनी चाहिए और हर शब्द में आपके विश्वास झलकना चाहिए साथियों। आप आंखों में आंखें डालकर लोगों से बात करिए, क्योंकि बोलते हैं, कहते हैं कि आंखों का रास्ता डायरेक्ट दिल तक पहुंचता है। तो आंखें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बातों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ में रखिए। अगर वह कुछ बोलती भी है ना, तो उनको बिंदास्त कहिए कि आप जिस नेटवर्क इनको जानते हो ना, वह मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, और मैं जिस नेटवर्किंग को जानती हूँ वह आप बिल्कुल नहीं जानते हैं।
तो साथियों, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके बात में होना चाहिए कि आप अपनी बात को बिल्कुल दम के साथ में रखे, बिंदास और कॉन्फिडेंस के साथ में रख सके। साथियों, आगे बढ़ते हैं। मेक इट ब्रीफ, ज्यादा बिल्कुल नहीं बताना है साथियों, ना कंपनी के बारे में ज्यादा बताना है आपको, ना प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताना है, और ना ही प्लान के बारे में आपको ज्यादा बताना है। छोटे तरीके से अपनी बात रखे, लिमिटेड एवं पावरफुल तरीके से अपनी बात को रखना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बताना है आपको। बताने की शुरुआत तो आपने की है, समझो कि आपको पता चलेगा कि यह, उनको पता चलेगा कि यह नेटवर्किंग है, तो दुनिया में यह नेटवर्किंग अब यंग हो चुकी है साथियों, 20 साल हो चुके हैं नेटवर्किंग को, सब जानते हैं। अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आज हमें यह व्यक्ति नेटवर्किंग के बारे में बताने वाला है। तो आप उनको अगर बोलते हैं कि मैं आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ, और पार्ट टाइम में एक बहुत बड़े कंपनी के साथ में मैं काम कर रही हूँ, तो वह बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये हमें क्या बताने वाला है, MLM के बारे में बताने वाला है। तो साथियों, आपको बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करनी है, अपनी बात रखो लेकिन पावरफुल तरीके से और शॉर्टकट में रखना है। कि मुझे आपको चार्ट दिखाना है या फिर कुछ फिगर्स के बारे में आपको बताना है, और यहाँ आप बहुत ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, तो क्या आप हमें से मिलना चाहेंगे? तो बिल्कुल, कल मैं आपको समय दे रही हूँ सवेरे का, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्कुल एक मंथ तक आपकी आपसे बात करने के लिए खाली नहीं हूँ। डायरेक्टली बता दीजिए, और ज्यादा बात नहीं करना है, और डायरेक्टली कॉल रख देना है। इनवाइट इज नॉट प्रेजेंटेशन, लोगों को निमंत्रण देना है साथियों, हमें प्रस्तुतिकरण बिल्कुल भी नहीं देना है। डिटेल में उनको बिल्कुल नहीं बताना है। जब भी आप शादी का निमंत्रण देने के लिए जाते हैं तो उन्हें कैसे निमंत्रण देते हैं? आप जाते हैं, कार्ड देते हैं, और उनको क्या कहते हैं कि शादी में आप जरूर आइएगा, है ना? सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलता है कि बैठिए, नाश्ता कीजिए, चाय लीजिए, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि हमारे पास आज भी समय नहीं है, क्योंकि हमें आज बहुत ज्यादा काम है। बहुत सारे लोगों को कार्ड भी देना है, और साथ ही साथ में आप वहां जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आप वहां प्रस्तुतिकरण देने बैठ गए तो आपका वहां समय चला जाएगा, है ना? इधर उधर की बातें होंगी, साथ ही साथ में प्रस्तुतिकरण में आप उन्हें बताओगे कि शादी में भोजन आपने क्या क्या रखा हुआ है, साथ ही साथ में आपने कौन सा हॉल किया है, आचार्य कहाँ के हैं, या फिर शादी में आप क्या पहनने वाले हैं, शादी की तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों, हमें वहां बिल्कुल भी प्रस्तुतिकरण नहीं देना है। जैसे आप कार्ड देते हो और निकलते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको कॉल पर इनविटेशन देना है। कौन सा? शॉर्टकट में, कि मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, इतनी शानदार है कि आप बिल्कुल इसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन मुझे अभी बताने के लिए आपको समय नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंट कॉल आ रहा है और मैं अभी अपने कॉल को रख रही हूँ। मिलना है तो हम कल मिलते हैं, इसके लिए आप 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। तो ऐसा करके आप अपनी बात को कम समय में रख सकते हैं, निमंत्रण दे सकते हैं, वहां आपको प्रस्तुतिकरण बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही साथ में मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, इसे छोटा एवं अर्थपूर्ण बनाए। आपने अगले वाले को कितना समय दिया है, उतने समय में ही आपको अपनी बात को कंप्लीट करना है या पूरा करना है। अगर आपने सामने वाले को आधा घंटे का समय दिया है, तो साथियों आपकी बात आधा घंटे में समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि आप वहां गए और आपने उन्हें प्लान बताया, तो आप वहां, आपका उद्देश्य क्या होता है कि मैं उन्हें प्लान के बारे में बताऊं और जल्दी से ज्वाइनिंग निकालूं, आपका लक्ष्य वही है। तो आपके अंदर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। घर से आप निकलोगे तो अंदर में आपकी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा, प्लान बताऊंगा और मुझे ज्वाइनिंग बिल्कुल मिलनी ही चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ अगर आप जाते हैं, शॉर्टकट तरीके से बताते हैं, मोटा मोटा बताते हैं, तो वो लोग आपके साथ में आएंगे। अगर आप बहुत ही बारीकी से सब कुछ बता रहे हैं, लोग बोर हो रहे हैं,
तो वो आपके साथ बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करेंगे। उनको केवल आप इतना बताइए कि अपॉर्चुनिटी है, बहुत फायदा है ना। उनको रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, रिक्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनको प्लान में फायदा दिखाना है, हमें केवल उनको क्या दिखाना है, फायदा दिखाना है। मोटे मोटे तरीके से दिखाइए, अर्थपूर्ण बात कीजिए एवं अपने समय की कदर कीजिए, पैसों की कदर कीजिए, क्योंकि आप वहां जा रहे हैं, आप अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, अपना समय वेस्ट करके जा रहे हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है कि हमें वहां शॉर्टकट में और मोटे मोटे तरीके से प्लान बताना है और ज्वाइनिंग निकालना है। साथ ही साथ में साथियों, टेक्निक ऑफ फॉर्म, हम फॉर्म की टेक्निक को अपना करके कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं या हम लोगों को कैसे इस बिजनेस में ला सकते हैं, तो F फॉर होता है फैमिली। सबसे पहले तो हमें परिवार के बारे में पूछना है कि फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करना है सबसे पहले, कि जैसे मैं आपको बताऊंगी कि हाय रीना, कैसी है, घर में सब कुछ कैसा है, आपकी मम्मी कैसी है, आपके पापा कैसे हैं, अब आपके पापा की तबीयत ठीक है रहती है ना, साथ ही साथ में आपके घर में जो छोटी है वो कैसी है ना, वो अभी क्या कर रही है, उनके घर के वातावरण के बारे में आप जाने कि घर का वातावरण जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है, नॉर्मल परिस्थिति है या नहीं है। तो यहाँ से आपको एक क्ल्यू मिल जाएगा कि हम अपनी बात को वहां रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो हमने परिवार के बारे में पूछा और उनके यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में हमें पता चल गया तो अच्छी बात है। अगर हम कुछ भी पता नहीं कर रहे हैं, फैमिली के बारे में नहीं पूछ रहे हैं और डायरेक्टली हम उनको बता रहे हैं कि हाय रीना, आ जाना हमारे पास में, बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत सारा पैसा है, तू भी करोड़पति बन जा और मैं भी करोड़पति बन जाती हूँ, ऐसा बोलेंगे। और उनकी फैमिली में अगर कोई अलग ही मैटर चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वो रीना आपको क्या बोलेगी कि अरे तू पहले करोड़पति बन जा, बाद में मुझे बताना, है ना। तो अच्छा है कि सबसे पहले क्या करें, आप फैमिली के बारे में पूछे, सबसे पहले वहां के फैमिली का वातावरण आप जान ले और उसके बाद में ही आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ में साथियों, ओ फॉर ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के बारे में पूछना, अगला व्यक्ति क्या काम कर रहा है एवं वो अपनी जॉब से खुश है या नहीं है, उसे लेकर के आप क्वेश्चन पूछे। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हाय सीमा, कैसी है यार, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना, अरे तू तो कॉलेज में टॉपर थी, आजकल क्या कर रही है, एवं जीजाजी कैसे हैं, उनका जॉब कैसे चल रहा है। तो अब वो यहाँ आपको बताएंगी कि अरे यार वो तो दिन गजब के थे लेकिन अब चले गए हैं, है ना, जीजाजी भी प्राइवेट जॉब करते थे, कोरोना के कारण तो अब वो घर में वापस आ चुके हैं, तो कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं अभी सिलाई का काम करती हूँ। और साथ ही साथ में बहुत ही दिक्कतें यार आ रही हैं, तो तब आपको यहाँ क्ल्यू मिलेगा कि नहीं, मैं यहाँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकती हूँ, तो उसको बताओ, अरे मैं तो इतना बिजी रहती हूँ कि 5 मिनट का भी मुझे समय नहीं मिलता है, अगर तू जानना चाहती है ना तो कल सुबह हम मिलते हैं, क्योंकि अगले 1 माह तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तो तुझे अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनना है तो कल सुबह हम मिलते हैं, तो 5 मिनट के बाद मुझे कॉल कर, तो मैं कल तेरे साथ मिल सकती हूँ। ऐसा करके आप बिल्कुल उसे बताए कि मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है तो मैं अभी कॉल रख रही हूँ। ऐसा करके अगर आप फोन को रखते हैं तो उसके दिमाग में वही चलेगा कि अरे यार ये तो मेरे पीछे थी, और उसके दिमाग में यही छप जाएगा कि ये पीछे थी तो ये कैसे आगे इतना बढ़ गई है, इसके पास भी समय नहीं है, बिल्कुल वो 5 मिनट के लिए भी फ्री नहीं है। तो जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए कि ये ऐसा कौन सा काम कर रही है, तो वो जरूर आपको 10 मिनट के बाद कॉल करेगी और पूछेगी कि कल मुझे अपॉइंटमेंट लेना है और तू मेरे साथ बिल्कुल मिलने के लिए आ जा। साथ ही साथ में आर फॉर रेस्ट टाइम, आराम के समय में आप क्या करते हैं, तो वह
अगर आप किसी से पूछते हो कि आराम के समय में आप क्या करते हो, तो वो यही बोलेगा कि आराम के समय में क्या करेंगे यार, आराम ही करेंगे, आराम ही कर रहा हूँ। तो उनसे पूछो कि आराम के समय में आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती हूँ या बताना चाहती हूँ। मेरे पास चार्ट है, फिगर्स है, अगर आपको सुनना है ना, तो आप बिल्कुल, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। उनको एक बात और जरूर बताए, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। उनको क्या बताना है कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, क्यों? आसान करने के लिए समझना पड़ता है, और अपने रेस्ट टाइम का अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जीवन को समझो यार, अगर समझ गए तो जीवन की नैया पार हो गई। साथ ही साथ में चौथा है यम फॉर मैसेज ऑफ मनी, आपको उन्हें पैसों का संदेश देना है कि आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप आर्थिक आजाद होना चाहते हैं तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ, या उनसे सवाल पूछना है कि क्या आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, या फिर आत्मनिर्भर होकर दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं तो यही बोलेगा कि यहाँ आत्मनिर्भर क्या है, तो उसे मीटिंग में बुला। अगर वो मीटिंग में नहीं आना चाहता है तो उसके घर में जाओ और उसे 1-to-1 या होम मीटिंग करके पैसे का संदेश दो कि आप इनकम कैसे कमा सकते हैं। होम मीटिंग करके उनके परिवार के साथ में बैठ करके आपको प्लान दिखाना है एवं उन्हें पैसे का संदेश देना है और इनकम के बारे में बताना है, तो वो बिल्कुल आपके साथ में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, कैसे बुलाएं कि लोग आ जाए, इसके लिए 3 inputs in invitation, निमंत्रण देने के समय याद रखने योग्य 3 बातें हैं। तो यह कौन कौन सी 3 बातें हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हम प्लान दिखाए और लोग आ जाए, यह सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे समाज में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम प्लान दिखाते हैं तो वो तुरंत ज्वाइनिंग कर लेते हैं, इस टाइप के भी लोग मिलते हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा है कि ज्वाइनिंग कर ली, वो बिजनेस करने के लिए तैयार है। दूसरे टाइप के लोग तो ऐसे मिलते हैं कि प्लान सुन लेते हैं लेकिन ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं करते, जब भी मिलेंगे वो बोलेंगे चलो नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, और उसके बाद में वो बोलेंगे कि कल मिलते हैं, मैं कल आपको ज्वाइनिंग दे देती हूँ, डॉक्यूमेंट दे देती हूँ, ऐसा बोलेंगे, लेकिन वो जल्दी से ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। तीसरे टाइप के लोग ऐसे मिलते हैं जो सेमिनार भी कर लेते हैं, होम मीटिंग भी कर लेते हैं, सब चीजों का आनंद उठा लेते हैं, लेकिन वो अंदर से ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार नहीं होते। और चौथे टाइप के लोग तो बिल्कुल निगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, 100% हमें सवाल ही पूछते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, कंपनी के बारे में पूछेंगे कि हमें कितनी इनकम आएंगी, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, है ना। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि हमारी कंपनी कैसी है, कितनी साल पुरानी है, क्या क्या हमें दे सकती है, और उनकी ज्वाइनिंग तो हमें करना ही करना है। तो अब निमंत्रण देने के समय याद रखने योग्य कौन कौन सी 3 बातें हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है टेक एडवाइस, सलाह ले। अब हम सलाह किससे लेते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उम्र दराज व्यक्ति से ही हम सलाह लेते हैं। तो उनको अगर आपको इनवाइट करना है तो इनवाइट करने का तरीका है कि उनको सलाह देने के लिए बुलाए, उनको कहे कि आप हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे अनुभवी व्यक्ति है, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है और मैं कंफ्यूज हूं कि मैं इसे अपनाऊं या नहीं अपनाऊं, इस बिजनेस को करूं या नहीं करूं, क्योंकि आप तो मेरे लिए आदर्श है और मुझे पता है कि आप मुझे बताएंगे तो आप सही निर्णय ही लेंगे, तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ में जरूर चले और
आप मुझे इसके बारे में बताएं। तो इस तरीके से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन लीजिए कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करूं या नहीं करूं। आप अगर सलाह मांगेंगे तो बड़े लोग सलाह देने के लिए जरूर आते हैं कि इस बंदे को सलाह की जरूरत है, तो वो आएंगे आपके साथ, आएंगे आपको सलाह भी देंगे और खुद ज्वाइन भी होंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ही इतनी शानदार और जबरदस्त है। साथ ही साथ में दूसरा है, शो योर एक्साइटमेंट, अपना उत्साह दिखाइए। एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में अपनी बात को रखना है। आपके चेहरे पर भी एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, आपके दिल में भी एक्साइटमेंट दिखना चाहिए और साथ ही साथ में आपके दिमाग में भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल एक मिनट में खत्म होनी चाहिए। नौकरी पेशा अगर व्यक्ति है तो इच्छा बिल्कुल होती है कि मैं भी बिजनेस करूं, तो उसको केवल चार बातें बताओ। कौन कौन सी चार बातें? उनको बताओ कि अगर बिजनेस है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप उनको बताओ कि आप इसको केवल पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, उनको ये बताओ कि एक्सपीरियंस भी जरूरी नहीं है, धीरे 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 काम करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। और चौथी बात आपको यह बतानी है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। और इतना बोलिए और अपनी बात को यहाँ समाप्त कीजिए, ज्यादा उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी बात आप करें, एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बात को रखना है। तीसरा है हार्ट टचिंग, दुखती रथ को पकड़े। आप जब भी बात करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि उसके यहाँ का वातावरण कैसा है, वह व्यक्ति कोई प्रॉब्लम में है तो उनको विश्वास में लेकर आप अपॉर्चुनिटी को बताएं। उनको बोले कि आप आत्मविश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, मैं आपके साथ में हूं, है ना, हम मिलेंगे, बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, आप भी विश्वास रखो, है ना। जबरदस्त तरीके से काम करते हैं उनकी, अगर आप दुखती रथ को पकड़ते हैं तो वो भी आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि हम लोगों को कैसे बुलाए तो लोग आ जाए, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, संपर्क करे और निमंत्रण दे, तो उसमें सबसे पहले हमने यह देखा, देयर मस्ट बी पावर इन योर टॉकिंग, आपकी बात में दम होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके चेहरे पे झलकना चाहिए, आपके बातों पे झलकना चाहिए, तभी लोग आपके साथ में आना पसंद करेंगे। अगर आप मुरझाए हुए से गए, हेलो, अरे यार एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है, तू करना चाहेगा क्या, अगर आप ढीली ढीली बात करोगे तो कोई भी आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आपके बात में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा हमने देखा, मेक इट ब्रीफ, उन्हें ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बताना है, मोटे मोटे तरीके से बताइए। तीसरा है, इन्विटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन, आपको निमंत्रण देना है, प्रस्तुतिकरण बिल्कुल भी नहीं देना है। जैसे शादी के कार्ड का मैंने आपको बताया, कार्ड देना है और उनको बताना है कि शादी में जरूर आना है, वहां शादी के बारे में या आपने क्या क्या प्लान बनाए हैं उसके बारे में प्रस्तुतिकरण देने की जरूरत नहीं है। या फिर हम अगर बिजनेस की बात करें तो ना प्लान के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में और ना ही प्रेजेंटेशन के बारे में या प्रस्तुतिकरण आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, इसे आप छोटा एवं अर्थपूर्ण तरीके से बताएं, मीनिंगफुल तरीके से बताएं। कंपनी के बारे में लगे तो आप, जैसे सर ने बताया था कि आप फाइल लेके जाइए, उस उनको वन टू वन होम मीटिंग में फुल क्यों अपने लक्ष्य पर काम करें, ज्वाइनिंग एवं प्लान प्रेजेंटेशन। साथियों, टेक्निक ऑफ फॉर्म, तो
फॉर्म की टेक्निक मैंने आपको अभी बता दी है कि एफ फॉर फैमिली, सबसे पहले आपको फैमिली के बारे में पूछना है ना, कि उनके घर का वातावरण अब कैसा है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर वो मन से तैयार नहीं है और अगर हम यहाँ से बता रहे हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ में वो फॉर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के बारे में पूछे कि आपका जॉब अब कैसे चल रहा है। साथ ही साथ में आर फॉर रेस्ट टाइम, आराम के समय में आप क्या करते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको अच्छे से एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। और यम फॉर मैसेज ऑफ मनी, आप उनको पैसे का संदेश दे कि कम समय में आप कितना पैसा, कितना इनकम कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम में। साथ ही साथ में थ्री इनपुट इन इनविटेशन, निमंत्रण देने के समय याद रखने योग्य तीन बातें, उसमें सबसे पहली बात है टेक एडवाइस, सलाह ले। हमसे जो बड़े व्यक्ति है, उम्र दराज वाले व्यक्ति है, उनको हम सलाह देने के माध्यम से भी सेमिनार या वेबिनार में हम बुला सकते हैं और सलाह लेंगे तो वो हमें अच्छी सलाह भी देंगे और खुद हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। सेकंड, आप अपने प्लान को उत्साह के साथ में दिखाए, विश्वास के साथ में दिखाए, कॉन्फिडेंस के साथ में दिखाए। अगर आपके अंदर में जोश, जुनून और उत्साह है तो लोग जरूर आपके साथ में आएंगे, वरना अगर आप जोश जुनून में नहीं है तो लोग आपके साथ में आना पसंद नहीं करेंगे। और तीसरा है हार्ड टचिंग, उनके दुखती रथ को पकड़े, उनके घर के वातावरण को जाने कि वहां अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उनको आप विश्वास दिलाए कि हम मिलके बहुत बड़ा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, मिलके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि बताई गई तकनीक का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे एवं इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा आप लाभ उठाएंगे। तो थैंक यू साथियों। सर जी का कॉन्टेक्ट नंबर है 9584346100। सेकंड नंबर है 7747041147 एवं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है चंदा बोड़े 9752377717। और सर जी का यूट्यूब चैनल है जर्नी टू सक्सेस फ्रॉम शंकर मोबे सर जी, और यहाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल है वे टू सक्सेस फ्रॉम चंदा बोड़े। साथ ही साथ में अल्टोस यूट्यूब चैनल है अल्टोस एकेडमी के नाम से, और वेबसाइट भी है www.altosindia.net, और फेसबुक पेज पे भी आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं अल्टोस इंडिया, और गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी आप अल्टोस बिजनेस ऐप को डाउनलोड करके बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरी बातों को सुना इसलिए आप